कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मेरे ये बाल ऐसे बबर बबर हो रहे हैं ना यहाँ से। सुबह सुबह कॉफी बना के मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। आज मुझे जाना था तायरा के घर, तो मैंने सोचा थोड़ी सी, ये नाक मेरी ना बड़ी होती है, खारिश होती है सुबह सुबह, आंखों से पानी भी आता है मेरे। यूट्यूब पे वीडियो मेरी देर से इसलिए आती है गाइस, एक तो मेरा माइग्रेन है, मैंने आप लोग को पहले ये बात बता दी है ठीक है, कि मुझसे एडिटिंग ऐसे नहीं हो सकती, मुझे माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, फिर 4-5 दिन मैं बिस्तर पे पड़ी होती हूँ, मुझे वॉमिटिंग्स होती हैं। अच्छा, इसलिए नहीं देती हूँ। दूसरी चीज, मेरा वो पुराना वाला चैनल नहीं था जो हैक हुआ है नाला खान, वो मेरा मोनेटाइज था, लेकिन मैंने उस पे डॉलर का साइन को बंद रखा था। मैं 1 रुपया नहीं लेती थी यूट्यूब से। मेरे हस्बैंड ने कहा कभी डॉलर का साइन खोलना मत, मैं ये ना मेरे कान तक बात ना आए कि तुमने यूट्यूब से पैसे लिए। मेरे हस्बैंड को यूट्यूब का पैसा पसंद नहीं है ठीक है, वो कहते हैं फाइनेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनकम टैक्स में जितने दिए नहीं होंगे जितना आपसे वापस लेंगे ठीक है। और वो कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो गवर्नमेंट के कामों में ना बहुत ज्यादा सीधे है ठीक है, तो उनको वो वैसे भी उनको पसंद नहीं है यूट्यूब का पैसा, साफ बात है। और दूसरी चीज के यूट्यूब पे बैठ के कोई अमीर नहीं हुआ ठीक है, कोई मिलियनर या बिलियनर नहीं बना। जब आप तरक्की करते हैं आप अपनी जॉब से करेंगे, अपनी कमाई से करेंगे। हिकअप हो रही है मुझे। कहते हैं कि यूट्यूब के लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानती कि यूट्यूब का इतना पैसा होता है कि बंदा मिलियनर बन जाए, तो आप अपनी मेहनत से ऊपर जाते हैं, अपनी पैसों के, अपनी हार्डवर्क से ठीक है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां आप फन करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून वीडियो डालते हैं, अपने सब्सक्राइबरों को अपडेट देते हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट ठीक है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा ऐसी जगह है जहां आप अपनी मर्जी से वीडियो दें जब आपका दिल करे ठीक है। और जब लोग मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं ना कि वीडियो दो, ये काम मुझे गाइस अच्छा नहीं लगता ठीक है, प्लीज स्टॉप, क्योंकि स्टॉप कर देंगे चीज। मैं नाला अफजाल जो है ना वो अपनी मर्जी की मालिक है, मैं अपनी मर्जी से लाइफ में जीती हूँ, अपनी मर्जी से चलती हूँ। मुझे ये बांध कैसे रखना ना यूट्यूब के साथ स्टिक रहेगी कि व्लॉग करो डेली, ये मुझसे नहीं होता। मुझे खुली आजादी चाहिए, खुली फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम के पीछे मैं पागल हूँ ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बस बांध के ना रखे कि वीडियो देनी है, वीडियो में स्टिक हो जाओ, अपनी मर्जी से दो। हाँ, इंस्टा पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हूँ क्योंकि वहां वीडियो आसान होती है, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, एंड हैशटैग लगा के शेयर कर दिया, नो स्ट्रेस, थंबनेल करो, टेक्स्ट करो, टाइटल उठाए। मेरा तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, अगर मुझे फेम करना होता तो मैं आज कंटिन्यू मॉडलिंग कर रही होती, या मैं पाकिस्तान में जाकर ड्रामा में काम कर रही होती अगर मुझे फेम चाहिए था ठीक है। वो सब कुछ मैं पास्ट में अपना भूल चुकी हूँ ठीक है, अब मेरी ये लाइफ है ठीक है गाइस। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बोलते हैं डेली व्लॉग डाला करें, मैं डेली वाली लड़की नहीं हूँ ठीक है ना। तो मैं यूट्यूब का मोनेटाइज ऑन रखती हूँ कि मैं पैसे बनाऊँ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी वीडियो क्यों डालूँ, अपने आप को ख्वार क्यों करूँ। और जो वीडियो मैं डालती हूँ अपने सब्सक्राइबरों के लिए, आप लोग के लिए, आप लोग का प्यार है जो मैं आप लोग के लिए वीडियो डालती हूँ ठीक है, और अपने लिए है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है ठीक है। एनीवेज गाइस, बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं तैयार होती हूँ, मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी तारा के घर पे। आप लोगों को मैं घोड़ा दिखाती हूँ ठीक है, ये है घोड़ा ठीक है, ये घोड़ा मैंने बनाया है और ये तारा को अच्छा लगा था। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला था ये तुम्हारा हस्बैंड, तुमने अपने हस्बैंड को बनाया है। अच्छा, ये है खाना काबा ठीक है, ये सारे लोग हैं नीचे इसके, और तारा को कैट पसंद थी तो मैंने ये कैट यहाँ पे साइड पे बनाई है, ऐसा लग रहा है कैट जैसे दीवार पर है, नीचे लोगों को ना देख रही है कैट, इट्स काइंड ऑफ ठीक है। तो ये खाना काबा के अंदर जो अल्फाज है ना, ये कलमा लिखा हुआ है इसके अंदर ठीक है। ये अच्छा, ये डिजाइन कैसे मैंने क्रिएट किया ये आप लोग देख लेना, मेरी नाना अफजल मोटिवेटर के ऊपर मैंने शॉर्ट दिया हुआ है ना, दूंगी मैं, तो वहां पे जाके देखना। अभी मैं आप लोग को नीचे लेके चलती हूँ ठीक है, सेकंड फ्लोर पे नीचे डाउन स्टेयर, आप लोग को अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी स्टेप बाय। तो चले देखे मेरी पेंटिंग। सबसे जो मेरी पहली पेंटिंग है वो ये वाली है ठीक है। ये मरमेट है पानी के अंदर, डीप ओशन, और ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी पेंटिंग शुरू की थी। और ये जो है ये लड़की बैठी हुई है ठीक है, हाई हील्स पहने हुए हैं और उसको नीचे उतार रही है, और ये साथ में उसके मैंने कोई गुलदस्ता जिसे बोलते हैं वो बनाया फ्लावर का। ये है हेलोवीन की पेंटिंग, विच, मैजिकल विच है ये ठीक है। और इसकी मैंने बस, हेलोवीन इतना ख़ास नहीं था इस साल का तो मैंने दिया नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसकी शायद मैं वीडियो थोड़ा सा डाल दूँ, लेट्स सी, देखूँगी। अच्छा, ये वाइन ग्लास मैंने बनाया है, लेकिन इसका ये जो कलर है ना काफ़ी रेड हो गया, तो ये वाइन तो नहीं लग रहा, कुछ शरबत वगैरह लग रहा है, पता नहीं कुछ भी लग रहा है, क्लैमबेरी का जूस, तो इसको मैं थोड़ा डार्क करूँगी मरून, तो फिर ये वाइन ग्लास लगेगा। एंड ये मेरी पेंटिंग है चाइनीज़ गर्ल, जो कि अपने कपड़े, आई मीन कि अपने शॉल को पीछे से उतार रही है ठीक है।
और ये इसका मतलब है पीस चाइनीज़ में, और इसके पीछे मैंने कमर पे लव लिखा हुआ है, तो ये चाइनीज़ को मैंने बनाया है। ये है सेंटोरिनी ग्रीस, और सेंटोरिनी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ग्रीस, ठीक है। ये मैंने बनाया छोटा सा विलेज जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं बैठ के, और ये सारा ग्रीस है, छोटा सा टाउन विलेज। बहुत ही प्यारी पेंटिंग है ना ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो ये है इस मेरी सारी पेंटिंग्स। अब मैं इसकी रैपिंग करने वाली हूँ। मैंने कहा तायरा को रैप करके दूंगी ना तो खुश हो जाएगी, उसको अच्छा लगेगा, एंड ऐसे भी गिफ्ट को रैप करके दो तो बहुत मज़ा आता है खोलने का। एंड मेरे पास कुछ और था नहीं, क्रिसमस का ही था, तो मैंने कहा यही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बहन के घर जा रही हूँ, किसी और को थोड़ी ना देना है मैंने। एंड शौक मुझे कैसे आया, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ भी रहे थे जब मैं स्टोरीज लगाती हूँ। तो मुझे बचपन से, जब मैं स्कूल जाया करती थी, मैं इस तरह पेंटिंग बनाती थी, मेरी टीचर ना उसको बोर्ड पर लगाया करती थी, मेरी काफ़ी नाम था स्कूल में। फिर उसके बाद कनाडा आई, जॉब वगैरह की, मॉडलिंग में बिजी हो गई, टाइम नहीं था तो कभी मौका ही नहीं मिला पेंटिंग करने का। फिर छोटे वाले भाई ने मुझे काफ़ी बोला कि नाला पेंटिंग शुरू करो, इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो तो क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा अच्छा कर लेती हूँ, 25 साल बाद माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स मैं बनाती हूँ, बस एज अ हॉबी मैं करती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी शिपिंग की मैं कॉस्ट करूंगी, अदरवाइज फ्री है, एंड दैट्स इट। सोई पड़ी है मैडम। हाँ पासी ना, पासा का नाम दा चादर खुदे दा सिखा मजेदार दे ची हाँ ना, बेड शीट खुदे देर खा दे पसा की नहीं पको ना तल्ला तवाम खाना खुआड़ी माता लगी आ स्ट्रेचो का शाह भरे मैं गुंते स्ट्रेच ना कवा स्ट्रेच कई बॉडी तारा जाऊंगी, थोड़ी सी वीडियो वहाँ बनाऊंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे सबका देना था तो मैंने सोचा वो भी हो जाएगा। और ताहिरा मेरी सिस्टर, उसको आप जानते ही होंगे, ठीक है, पहले से ही मंकी है, डांस करती रहती है हर वक्त। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी बहन आई है, बड़ा इंजॉय कर रहे, बड़े डांस कर रहे लगे हुए बाकी आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। और मैं नायला के कुछ सब्सक्राइबर जो है उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया आए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद, एंड मस्जिद कब जाना है? अभी जाना है, अभी चले जाते हैं। मेरे उसको करना है बेचना, सुबह खाना। चले हम लोग अभी जाते हैं मस्जिद, वहाँ पे सबका देना है इसने और मैंने, तो चले फिर हम दोनों ने देना है, इसका भी मैंने भी अपना देना है ना, तो हाँ हम दोनों वहाँ जा रहे हैं वापिस आके फिर खाना। चले गाइस अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद। डिंगा लाला डिंगा लाला डिंग 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 डिंग। अभी मैं बैठूंगी गाड़ी ठंडी है गर्म है? नहीं गर्म है, गर्म है। और पहली बार मैं जा रही हूँ मस्जिद में, वैसे मैं तो सदका पाकिस्तान वगैरह भेजा करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि बेस्ट है कि आप मस्जिद में ही देख कर आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। इन्होंने मीन नहीं आपको लगे ना, तो लगे ना कि सही जगह पे पैसे जा रहे हैं। हाँ तायरा या बिल्कुल बात सही है, मैं पाकिस्तान में ऐसे बेचती रहती हूँ,
लेकिन पाकिस्तान में आपको इतना पता नहीं चलता है कि पता नहीं लोग पैसों के साथ क्या करते हैं। हाँ ये बात सही है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इजी है। और मस्जिद तो मेरे घर के पास ही है, बिल्कुल ही करीब है, दूर नहीं है। ये अभी 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 हम जाने लगे, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ और मतलब डेढ़ मिनट के अंदर अंदर है ना, करीब है, बहुत ही करीब है। वैसे मैं पाकिस्तान भी बेचती हूँ, बकरे वगैरह काले वगैरह कटवा लेती हूँ और मुर्गियाँ वगैरह, और पैसे भेज देती हूँ मैं पाकिस्तान भी, लेकिन मस्जिद में भी बेस्ट है यू नो। चले मस्जिद में चल के फिर वहाँ थोड़ी सी मेरी सिस्टर बना लेगी ब्लॉग, या मस्जिद भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। ये इस्लामिक सेंटर है, ये मॉन्ट्रियल का एक ही है इस्लामिक सेंटर, बाकी तो मस्जिद काफ़ी है लेकिन ये इस्लामिक सेंटर एक ही है हमारे यहाँ और बिल्कुल घर के पास ही। जैकेट बहुत प्यारा है तारा, कहाँ से लिया है? कहाँ से लिए ये तो मुझे याद नहीं है, 3 साल हो गए रख सकते हैं। ओके ग्रांड देखो खुद है जैकेट दी माँ दाखिल लगी दल तक या फिर खुद सो गाइस ये मस्जिद है यहाँ का, ये इस्लामिक सेंटर है, देखा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, प्यारा है ना माशाल्लाह। ऑफ कोर्स ये पहले बहुत छोटी थी, चले अभी हम लोग अंदर जाते हैं। मैं बताती हूँ कहाँ है, हियर हियर हियर। ओके सो हियर दिस वन या सदका या ये वाला द मिडल वन। ओके दिस वन इज डोनेशन, सदका एंड डोनेशन एज वेल। ओके सो यू हैव या सो द सेकंड वन। गुड मैंने पहले से कहा नहीं था। अल्लाह कबूल फरमाए आमीन माशाल्लाह। ये हम अभी ये बन रही है, ओके तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। तो ये रही होजड़ी, ये होजड़ी है गाइस, बहुत ज़्यादा फ्राई की है, थोड़ी सी डार्क है। इसके बाद मैंने बनाया है बिरयानी, ये बिरयानी है चिकन की, वाओ। और उसके बाद है कबाब, वेरी बीफ कबाब। ये 3 चीज़ें मैंने बनाई हैं, ज़बरदस्त। मैं केएफसी बना रही थी तुम्हारे लिए लेकिन फिर मैंने बोला नहीं थोड़ी सी कुछ और, ये डिफरेंट सा बियर, और ये है बियर लेकिन ज़्यादा फ्री ना हो, ये जीरो है, अल्कोहल नहीं है। मैं अल्कोहल जीरो ही पीती हूँ। दिखा दो। मैं जीरो अल्कोहल ही पीती हूँ। ये जीरो, ये मैं भी यही पीती हूँ, यही वाली से। हाँ, जीरो वाइन लेते हैं हम लोग, जीरो अल्कोहल लेते हैं। ये जो दिखाती है ना वो सारा जीरो जीरो होता है। ज्यादा फ्री ना हो आप लोग। तुम्हारे लिए खोलूं? ला Cheers.
ट्राई किया हाजड़ी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है सीरियसली। मेरा हल बता रहा वैसे मैं खाने की बहुत भूखी हूँ। लास्ट टाइम में मुझे जो लकड़ी हुआ था कुछ तल लगाना है, यू रिमेंबर? और अब लकड़ी बता, लकड़ी बहुत मिला लास्ट टाइम तो रहा जरा भी मैं गुरु तम जो लकड़ी हुआ इंग्लैंड में। हाँ कर रही हूँ जो लकड़ी हुआ सब है अभी गरीब भी हूँ ना पढ़ लूँगा वाले ये कि पसंद कहाँ ने लाख लो वो यार बहुत ही ये पसंद कहाँ ने लाख। तो चावल उसमें जुड़े था यार पहले बता चावल ही लाहा था भाई स्टिकी स्टिकी भाई तो गुड बात वही दबो समझ आ गई गाइस। बियर अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बहुत हेल्थी है, लेकिन अगर उसमें जीरो अल्कोहल होगा देन ही वो हेल्थी है, अदरवाइज तो वो हेल्थी नहीं है। अल्कोहल के साथ बिल्कुल हेल्थी नहीं है। वाइन भी मैं पीती हूँ, रेड वाइन, वो भी यहाँ पे मिलते हैं, जीरो अल्कोहल में मिलते हैं और बियर भी दोनों, तो ये दोनों चीजें बहुत हेल्थी है। रेड वाइन जो है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और जो बियर है वो ठंडा रखता है बॉडी को अंदर से, जो हमारी बॉडी गर्म होती है ना तो उसको थोड़ा ठंडा रखती है। तुम ज्यादा क्या अच्छा तुम्हें लगता है, रेड वाइन या बियर? बियर ज्यादा अच्छा, बियर ज्यादा अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा है। रेड वाइन भी ठीक है लेकिन बियर जबरदस्त है। गला बकाई मुझे अपने पता नहीं ये बात करूँ कि ना करूँ। बोल दो क्या हो जाएगा, कोई अरबी थोड़ी थे उसको क्या पता लगेगा अरबियों को। नो अगर पता लग गया तो मेरे क्या था, ये क्या था? रियल में मुझे अरबी लोग पसंद नहीं है। मुझे तो इसलिए पसंद नहीं है, चोर होते हैं अरबी। अरबी चोर है, एक नंबर के चोर है, चोर भी है अरबी, और अरबी औरतों के पीछे बहुत घूमते हैं भाई। सीरियसली डेट गर्ल्स शुगर डेडी खुद पसी कर दी, बहुत ज्यादा अरबी गलत है, हर तरह की चोरी कनाडा में करते हैं। खाना काबा मैंने बनाया स्पेशल इसको कि मुझे बना के दे, मैंने इसकी इतनी अच्छी रैपिंग की ताकि ये खोले इसको मजा आए। द पेंटिंग वाला थैंक यू। ये है क्या वैसे, ये खोल के भी दिखाई दी छुरी देना, वो वहां वहां से वो सीजर पड़ा है, टिंग ब्रिंग द सीजर उधर है, छुरियों में लगा हुआ है सीजर। खाना खावा कमी होती है
मैंने अपने हस्बैंड बनाया मुझे किसी ने कहा था ना मेरा बड़ा उसको दे क्या कहा मत था उसे मुझे लगा ये तो बिल्कुल सही जैसे प्रोफेशनल वैसे तुमने बहुत जल्दी जल्दी सीखा है सब कुछ सही बात है सीखा नहीं है हमारा सिला शुरू नहीं सीखा नहीं है इसने खुद ही कर रही है लोग तो स्पेशल जैसे सीखते हैं या ये पूरा क्लास थी ना पेंटिंग या इसे ला पुलाव मजान से भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तावली भी वेली भी दिया सुमर खस्ता दे वाह अरे गुच्ची भी साथ में बना दिया गला में खल कुता घूरी दीवार मार दी ओ सो क्यूट तो बहुत ही अच्छा है पढ़ाओ कदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर या वाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच या थैंक यू बहुत अच्छा है जबरदस्त है गाइस आई रियली लाइक इट बहुत प्यारा तुमने इनको दिखाया है हाँ मैं दिखाया पैक करते हुए दिखाया था अच्छा पैक करते हुए दिखाया है घर से बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त So cute. ये गुची है या टॉम है गुची लग रहा है गुची लुक लाइक अपोजिट साइड नानी की बहुत जबरदस्त है नला ने खल को तभी जो व्हाट्स गोइंग ऑन नला ने की किसा या ये मैंने गाइस स्पेशल इसको बोला था मुझे ये बना के दे दो मक्का मैंने इसको बताया था कि मुझे बना के दे दो लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना प्यारा बना भी सकती है खदे या आई रियली लाइक इट ना खदे बेस क्यूट थैंक यू सो मच बहुत अच्छा है ना या अब इन दोनों को मैं लगाऊंगी कहाँ लगाऊं इसको माता दी खकड़ी का पास वाला दादोंगी दो खैर जबरदस्त मुझे बहुत पसंद और इंसान माँ काफी दम की जुड़ गई आई मीन इंसानों को मैंने छोटा बड़े बच्चे सब बनाया है बड़े लोग छोटे लोग बच्चे किड्स लाइक यू नो लाइक बला खलकती है अरे पिशो तामा तभी मैं समझ नहीं मैं पिशो चुते मैं मतलब सोच कुछ नहीं पास पे की तुमने मैंने जो बोला था कि तरह बनाऊंगी ना तो बिल्ली ऐसे लग रहा है नीचे देख रही है मेरे हस्बैंड यही बता रहे थे कि बिल्ली ऐसे लग रही है जैसे नीचे लोगों को देख रही है दीवार पे खरे देर खरे माशाल्लाह वेरी नाइस बस था 25 इयर्स बस मैं शुरू को पेंटिंग पाकिस्तान के मां को बोला था मुझे नहीं पता किसके पास ये भी एक हुनर है आई डिडंट नो वैसे मेरा ये जो गुची है ना ये डरता है हर किसी से और मैं हैरान हूँ इसको देख के कि ये इसके साथ कैसे लेटा हुआ है गुची बड़ा रिलैक्स है वैसे गुची खैर हम लोगों ने तो काफी फुल हो गए अभी नींद आ रही है मुझे तुझे भी नींद आ रही है हाँ मुझे भी नींद आ रही है ना नींद से आ रही है चले गाइस अभी वीडियो को यहाँ एंड करते हैं ठीक है अल्लाह हाफिज अपनी दुआ में याद कीजिएगा इंशाल्लाह मैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ आऊंगी ढीली हो गई हूँ ढीली तो बहुत ज्यादा ये ढीली हो गई है चलो अल्लाह हाफिज चले ठीक है अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह ये सून किसी और ब्लॉग में आएगी नहीं एक साल बाद नहीं मजाक कर रही हूँ जब भी का मौका मिला आ जाऊंगी आएगी बाय अल्लाह हाफिज ओके टेक केयर गाइस अल्लाह हाफिज बाय बाय